सोल प्रप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक ही पर्सन ओन कंट्रोल और मैनेज करता हो ये बहुत ही सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर है और बहुत ही पॉपुलर स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए भी स्टार्ट करने के लिए ये बिजनेस सबसे इजी एंड चीप फॉर्म है इसके फॉर्म ऑफ बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं तो चलिए पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है सिंगल ओनर होता है तो बिजनेस का डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाता है इस टाइप ऑफ बिजनेस को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश नहीं करने होते हैं तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने में भी बहुत इनएक्सपेंसिव है और इवन इसे क्लोज करना भी बहुत आसान है चलिए अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं इनके सोर्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि सिंगल ओनर होता है इसीलिए स्किल एंड एक्सपीरियंस वो भी लिमिटेड हो जाता है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है पर रजिस्ट्रेशन करवाने बिजनेस को मार्केट में पहचान मिलती है और कस्टमर में ट्रस्ट भी बढ़ता है सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अगर दे ओन अ शॉप एंड शॉप ही उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस है तो जी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर टर्न ओवर एक्सीड्स फोर्टी लैक्स रुपीज उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ए इन तीनों में से किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ओनर या प्रोपर्टायर को पैन कार्ड अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या बैंक के पासबुक की कॉपी बिजनेस का कोई ट्रेड नेम अगर फाइनल किया हो तो गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें वो डील करेंगे और जिस जगह बिज़नेस करेंगे उसका एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर प्रॉपर्टी खुद की है तो और अगर बिजनेस प्लेस रेंटेड या लीस्ड है तो रेंट एग्रीमेंट या लीस एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल दो महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए सोल प्रोप्रटरशिप के कम्पलायंसेस कम होते हैं पर कुछ मैंडेटरी कम्पलायंसेस होते हैं जो उन्हें फॉलो करना ही होता है जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और अगर जी में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो जी एस टी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है एंड नीड टू डिडक्ट टी डी एस एंड फाइल टी डी एस रिटर्न इफ़ लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है कोई माइनर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं स्टार्ट कर सकता सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बुक्स को ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है एक एनआरआई भी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप को आप कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना हो या किसी भी दूसरे बिजनेस की कोई जानकारी लेनी हो तो यू कैन विजिट और कॉन्टैक्ट आर वेबसाइट